नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। इंस्पेक्टर साहब, यही मिस्टर श्याम, गिरफ्तार कीजिए इसे। मिस्टर श्याम, आपको बाइगेमी के केस में गिरफ्तार किया जाता है। मगर क्यों? एक शादीशुदा बीवी के होते हुए आपने दूसरी औरत से शादी की, ये कानूनन जुर्म है। ये इल्जाम जो आप मुझ पर लगा रहे हैं, ये इन सब बातों का जवाब मुझे नहीं, अदालत में दीजिएगा। तो आप कर रहे हैं उन तीन जिंदगियों की जो पाक हैं, साफ हैं, बेगुनाह हैं। योर ऑनर, कानून की कोई भी किताब जिंदगी की किताब से बढ़कर नहीं हो सकती, और मेरी जिंदगी की किताब के हर पन्ने पर इनके इल्जामों का जवाब लिखा है, मौजूद है। लेकिन उस सच्चाई को जानने के लिए हमें वहां से शुरू करना होगा जहां से मेरी जिंदगी शुरू हुई थी।
नाम गोपाल है। अच्छा नाम है सर। मैं वो अकाउंटेंट की नौकरी के लिए आया हूँ सर। इस अखबार में आपका एडवर्टाइजमेंट है। देखिए एड में साफ लिखा है ट्यूसडे और आज मंडे है, आप कल आइए। लेकिन सर अगर मैं कल आया तो काम मुझे नहीं सर, किसी और को मिल जाएगा। ऐसे क्यों? क्या आप अकाउंटेंट बनने के काबिल नहीं? काबिल तो हूँ सर, लेकिन मैं हरिजन हूँ सर। हरिजन है तो क्या हुआ, कल आइए। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ सर, खूब मेहनत से काम करूंगा। आप जितनी चाहे मुझे सैलरी दें, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है सर। फिर भी आप कल आइए। मेरी एक बेटी है सर, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया। आज अगर नौकरी नहीं मिली तो सांस लेने का भी दम नहीं रहेगा। आइए मेरे साथ। ये कागजात की फाइल्स हैं और ढेर सारे बिल्स। अब क्या करना है आप जानते हैं। मैं अभी कर देता हूं सर। अभी नहीं, पहले जाइए अपनी बेटी के साथ बैठकर खाना खाइए ताकि आप में काम करने की ताकत आ जाए। आप महान हैं सर, आपके इस उपकार को किस नाम से पुकारूं? मेरा नाम श्याम है और आप गोपाल बाबू मेरे अकाउंटेंट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आधार राधा देख मैं खाना लेकर आया हूं, ये देखिए। खाना कहाँ से ले आए बाबा? बताता हूँ, मैं नौकरी ढूंढने निकला था ना, तो एक अखबार में एक फिशिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट पड़ा, एक अकाउंटेंट चाहिए, तो मैं सीधा कंपनी के मालिक श्याम बाबू के पास चला गया। क्या? हाँ। उनका नाम श्याम बाबू है? हाँ, तो पहले खाना तो खा ले। पहले तो उन्होंने कह दिया कि कल आ जाइए, फिर क्या हुआ बाबा? फिर मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मैंने उनको बता दिया कि मैं हरिजन हूँ, फिर भी कहने लगे कल आइए। तब हार मानकर मैंने उन्हें कह दिया कि मेरी एक बेटी है, उसने 2 दिन से खाना नहीं खाया, अगर आज भी काम न मिला तो सांस लेने की भी ताकत नहीं रहेगी। बस उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं पूछा, मुझे नौकरी दे दी। भैया देख पेज की तनख्वाह भी पकड़ा दी और कहने लगे जाइए जाइए घर जाइए और अपनी बेटी के साथ बैठ के खाना खाइए। अरे राधा बिटिया, आजकल की दुनिया में कहां मिलते हैं ऐसे इंसान। अरे इंसान तो इंसान, मैं तो श्याम बाबू को भगवान का दर्जा देता हूँ, भगवान का। सुनो मुझे माफ कर दो, क्या क्या नहीं कहा मैंने तुम्हें। ये तक कहा कि आज बाबा को नौकरी न मिली तो कभी तुम्हारी सूरत नहीं देखूंगी, और आज तुम इंसान बनकर वहां पहुंच गए बाबा को नौकरी देने के लिए। नाम तक नहीं बदला तुमने कन्हैया, अपना नाम श्याम रख लिया। इस धरती पर तुम फिर से मेरे लिए श्याम बनकर उतरे हो तो मैं तुम्हें जरूर देखूंगी, जरूर देखूंगी। विजय, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे काम को देख रहा हूं। क्या मैं अपने काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दे पा रहा हूं सर? बिल्कुल उसका उल्टा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक बात पूछूं, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मेरे यहां तो तुम एक नौकरी करते हो, तुम्हें मिलेगा भी तो क्या फायदा मिलेगा? ये क्या कम है सर, आप जैसा आदमी जिसकी मेहनत ने राई के चंद दानों से पहाड़ बना लिया हो आज मेरे काम की तारीफ कर रहा है। तारीफ तुम्हारे काम के लिए काफी नहीं है विजय, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। देना ही चाहते हैं सर, तो एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत दे दीजिए जिससे अपने सिवाय किसी की नौकरी न करनी पड़े। तो सुनो, शुरू शुरू में मेरे पास एक भी नाव नहीं थी और मैं तुम्हें एक नाव दूंगा। बाकी तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी किस्मत क्या नहीं कर पाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गोपाल बाबू। आप उधर क्या देख रहे हैं? सपना। सपना खुली आंखों से? गोपाल बाबू ये कैसा सपना है जो मैं परसों से खुली आंखों से देखता आ रहा हूं। आप वो शिप देख रहे हैं? हाँ जी। मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरा भी ऐसा शिप। ये आपका सपना सच हो सकता है सर। कैसे? सर मॉरिशस में बहुत सारे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं, बैंक हैं। ये देखिए इस पेपर में बैंक ऑफ मॉरिशस का एडवर्टाइजमेंट है, आप इस बैंक से लोन ले सकते हैं सर।
अरे कहाँ चल दिया सर? बैंक ऑफ मॉरिशस। इस ड्रेस में? हाँ ये मेरा बिजनेस ड्रेस है, फिशरमैन हूँ ना। इसमें कोई शक नहीं श्याम, क्या तुम्हारा प्रोजेक्ट साउंड भी है और प्रॉफिटेबल भी है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। थैंक यू सर। मैं देख रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा पूरा वजूद डूबा हुआ है, तुम्हारे इरादों में काफी कॉन्फिडेंस है, लेकिन अभी एक्सपीरियंस की कमी है तुम में। आपको मुझ में एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दे रही, लेकिन मेरे इरादों की मजबूती आपको दिखाई नहीं दे रही। देखिए ना सर, इरादे मेरे पास हैं, पैसा आपके पास है, अगर ये दोनों चीजें मिल जाएं, तो क्या कुछ नहीं हो सकता। केवल मजबूत इरादों पर ही लोन नहीं दिया जाता श्याम। जिस बिजनेस के लिए क्लाइंट को लोन दिया जाता है, उसका क्लाइंट को एक्सपीरियंस तो होना चाहिए। गुस्सा के माफ करना सर, मुझे अपने इरादों पर विश्वास है, इसलिए लोन तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। ठहरो श्याम, आई लाइक यू। आज शाम को एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूं, बैंक के डायरेक्टर्स भी आ रहे हैं, तुम भी आ जाना। आओ भाई श्याम, इन लोगों से मिलो, ये सब हमारे बैंक के डायरेक्टर्स हैं। मिस्टर विजीरानी, हेलो। मिसेस विजीरानी, नमस्ते। मिसेस जैन, नमस्ते। मिस्टर जैन, हेलो। और ये मेरी धर्मपत्नी, धर्म कम करती है और पत्ते ज्यादा खेलती है। और ये मिस्टर संपत, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। किसी जमाने में ये शिपिंग बिजनेसमैन थे, वो तो सब खैर आजकल मेरे साथ काम कर रहे हैं। मिस्टर श्याम, क्या मैं पूछ सकता हूँ आप शिप के बारे में क्या जानते? मैं तो पैदा ही शिप पे हुआ था, बचपन से मछलियां पकड़ता रहा, तरह तरह की नाव पे सोया और जागा हूं। ऐसी एक बड़ी नाव को शिप कहते हैं। अरे भाई, खुद भी डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। आजकल के शिपिंग लाइनर को देखोगे बगुड़दार, तो आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। चलता फिरता फाइव स्टार होटल होता है, जिसमें स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, शॉपिंग सेंटर वगैरह वगैरह क्या क्या कुछ नहीं होता। तहजीब इजाजत नहीं देती, वरना आप पर हंसने को जी चाहता है। आपसे किसने कह दिया कि मैं एक लग्जरी शिप खरीदना चाहता हूँ? मैं तो एक कार्गो शिप खरीदना चाहता हूँ, जिसमें डीप फ्रीज हो, मछली साफ और सुखाने का अलग अलग डिपार्टमेंट हो। देखो ना, मिसाल के तौर पर मॉरिशस के आसपास छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि आइलैंड वी यूनियन। वहां का लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा है, यहाँ की महंगी से महंगी चीज भी उन्हें सस्ती लगती है। मछलियों की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम है। सोचो ना, दौलत हमारा इंतजार कर रही और हम खामोश खड़े हैं। Well said, very well said, I must say. क्या ख्याल है, क्या जोश है। ये मेरी बेटी है। मेरा नाम रुक्मणी है, लोग मुझे प्यार से रुकू कहते हैं। मुझे श्याम। मैं जानती हूँ, जब से दादी बैंक से आए हैं आपके विश्वास की दाद दे रहे हैं। श्याम, कुछ देर के लिए इन लोगों को अकेला छोड़ दो, बड़े लोग हाँ कहने में जरा देर लगाते हैं। Come on. पार्टी में कैसा लग रहा है? Are you enjoying? बहुत खूबसूरत। मेरे भी बहुत से सपने हैं, एक दिन मैं भी बहुत बड़ा आदमी बनूं। और मेरे यहाँ भी बहुत सी पार्टियां। ऐसे सपने मत देखिए। क्यों क्यों क्यों? आए दिन रोज ऐसी पार्टियां होती रहती हैं, वही लोग, वही चेहरे, वही गॉसिपिंग। मैं तो तंग आ गई हूँ इन सब से। और मैं ऐसे रहन सहन के सपने परसों से रात रात भर आंखें खोलकर देखता आ रहा हूँ। पहले तो मुझे भी ये सब बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब इन सब से मन उकता गया है। आई एम फेड अप। लेकिन आज आपको यहाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में एक ताजा हवा का झोंका आ गया हो। जानती हो ऐसा कब होता? कब? जब एक खूबसूरत लड़की जवान हो जाए। बीवी जी, साहब को बुला रहे हैं। चले। आपने हमें बुलाया? हाँ, भाई शाम को एक खुशखबरी सुनानी थी। बैंक के डायरेक्टर्स की राय तुम्हारे फेवर में है, बस समझ लो कि लोन सैंक्शन हो गया।
बाकी बातचीत कल सुबह आकर बैंक में कर लेना। नो सर, अब मुझे लोन नहीं चाहिए, मैंने अपना इरादा बदल दिया। जीजा जी, आप तो कहते थे कि ये बात उस्ताद है, लेकिन ये तो मां उस्ताद निकला। यस, फर्स्ट टाइम यू आर राइट। जब देखो तब घर सगार, कहाँ रहती हो आजकल? अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ। देख रहे हैं आप इसकी खामोशी? कुछ बात ही ऐसी है मम्मी, जरा पर्सनल मामला है। रेनु, लगता है हमारी बेटी को किसी से प्यार हो गया है। तुझे सिलवा दूंगा नई चोली, के अब तू 16 बरस की होली, जुलम तूने कर डाला, प्यार में रंग डाला। ओ, बिना बंदूक चल गई गोली। तो चली चली दुनिया वाले करने
जाने लगे हैं साथी अब तो जली जली तुझे सिलवा दूंगा नई चोली के अब तू 16 बरस की होली सर। आज क्या बात है आप ऑफिस में होली नहीं खेली? आप तो जानते हैं सर मेरे साथ कौन होली खेलेगा। अरे हम खेलेंगे आपके साथ होली, जमाना चाहे खेले या ना खेले। क्या कर रहे हैं सर, पेपर्स खराब हो जाएंगे। खराब हो जाने तो। अरे नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं सर। अरे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं? सर मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। हा? आपको एक बहुत बड़े ट्रस्ट की तरफ से 1 करोड़ का लोन मिल रहा है सर, अब वो शिप आप खरीद सकते हैं। रियली सर? लेकिन ये पेपर्स कल ही उन्हें देने हैं। हाय रुको। हाय, क्या कपड़े नहीं बदले? अभी तक होली का मूड है क्या? अरे तुम ऊपर तो आओ। क्या बात है? अरे आओ तो सही, कम ऑन। हाय, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। बिजनेस की बात है। रुको, ये हमारे गोपाल बाबू, मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। नमस्ते। आज इन्होंने होली नहीं खेली, कहने लगे कि आज हमारे साथ कौन होली खेलेगा, क्योंकि हम तो हरिजन हैं। ये तो बहुत अच्छे देखे, मैं खेलो। लो खेलो। रखो। हरिजन की औलाद, निकल यहाँ से, निकल। मम्मी आपने उसे क्यों डांटा? अरे रोते नहीं बेबी, देखो ये हरिजन बहुत गंदे होते हैं, इनके साथ कभी ना खेलना। क्या हुआ? मैं हरिजन हूं ना सर। व्हाट नॉनसेंस। क्या हुआ रुको, क्या बात? देख रही मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। कहो तो धक्का मार दें। यस प्लीज। लेकिन बड़े लोगों की गाड़ी एक गरीब आदमी से कैसे धकेली जाए? तो किसी और को बुलाओ। अरे आज तो होली का त्योहार है, सब छुट्टी पर है। हाँ कहो तो गोपाल बाबू को बुला लूं। किसी को भी बुला लो।
सोच लो, वो अछूत है। बुलाल, चलो बुलाई लेते हैं। गोपाल बाबू, ओ गोपाल बाबू, आइए आइए गोपाल बाबू, जरा धक्का मारिए, चलिए। ए बड़ी हल्की है। घर जाकर गाड़ी को भी नहला लेना और खुद भी नहा लेना। सर मेरी खातिर आप रुक्मिणी जी को ऐसे नहीं। गोपाल बाबू, आपके लिए मेरे दिल में क्या इज्जत है आप जानना चाहते हैं? आइए मेरे साथ आइए। पैदा होने से पहले और मेरे पैदा होने के बाद हम लोग झोपड़ों में रहते थे। मेरे बाबा और चाचा का एक सपना था, अपना एक खूबसूरत घर हो, लेकिन बदकिस्मती से ये सपना उन्हीं के साथ मर गया। उसी सपने को साकार करने के लिए मैंने ये घर खरीदा है। अचानक जब भी मैं आपको देखता हूं, मुझे अपने बाबा और चाचा की याद आती है, जैसे कि भगवान ने खुद उनकी शक्ल में आपको मुझसे मिला दिया। आज से आप इस घर में रहेंगे तो मुझे लगेगा जैसे मेरे बाबा और चाचा इस घर में रह रहे हैं। लेकिन लेकिन सर, आप ना मत करिएगा, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है सर, लेकिन सर मेरी एक प्रार्थना है, आप रुक्मिणी जी को मना लीजिए, वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। गोपाल बाबू, अगर उसने मेरा अपमान किया होता तो मैं हंसकर बर्दाश्त कर लेता, लेकिन जिसका मैं आदर करता हूं, अगर उसका कोई अपमान करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी उसे खिलवाड़ नहीं कर रहा हूं, प्यार करता हूं उससे। सर, हम हरिजन इस अपमान को हजारों सालों से ओढ़ते बिछाते आ रहे, अब आदत सी पड़ गई है। सर, मेरे सामने अगर कोई आपका अपमान करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर उसे उसे मुझसे प्यार है तो उसे आपको स्वीकार करना होगा। क्या कर रहे हो बाबा? अरे जानती हो आज हमारे साथ किसने होली खेली है? किसने? श्याम बाबू ने। श्याम बाबू ने? हाँ, आज तो हमारी दुनिया बदल दी उन्होंने, स्वर्ग जैसा कर दे दिया है हमें श्याम बाबू ने। लेकिन राधा, इस खुशी में एक गड़बड़ हो गई। क्या? वो रुक्मिणी जी वहां आ गई। कौन रुक्मिणी जी बाबा? अरे वो एक बड़ी सुंदर सी गुड़िया सी लड़की है जिसे श्याम बाबू बहुत प्यार करते हैं। हाँ राधा, और रुक्मिणी जी भी उन्हें बहुत प्यार करती हैं। अच्छा। हाँ, तू उदास क्यों हो गई? वो तुमने कहा ना बाबा, कुछ गड़बड़ हो गई। हाँ, क्या हुआ? अरे वो श्याम बाबू मेरी तरफ जरा ज्यादा ध्यान दे रहे थे तो रुक्मिणी जी नाराज हो गई। अरे तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो बाबा। बुद्धू? और नहीं तो क्या, तुम उन दोनों के बीच में डटे रहे होगे। हाँ, तुम बीच में से हट जाते तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती। हाँ, गड़बड़ हो गई ना बाबा, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुनो, क्या इसी दिन के लिए तुमने बाबा से मेरा नाम राधा रखवाया था कि चाहे अरमान अधूरे रह जाए पर ये नाम सच हो जाए? कोई बात नहीं कन्हैया, प्यार के बहुत से रंग होते हैं, प्यार, पूजा, तपस्या और प्रार्थना। अब इस राधा की चिंता छोड़ दो कन्हैया, बस एक ही प्रार्थना सुन लो। श्याम बाबू और रुक्मिणी जी एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं ना, उन्हें मिला दो, उनकी जिंदगी को खुशियों से भर दो कन्हैया। श्याम बाबू को देना रुक्मिणी जी का प्यार, और हो सके तो मुझे पूजा का अधिकार। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? नाराज हो?
सॉरी श्याम, माफ कर दो। माफी तो तुम्हें गोपाल बाबू से मांगनी चाहिए। शायद तुम ये नहीं जानती, वो मेरे बाबा समान है। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी, लेकिन श्याम तुम तो माफ कर दो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती श्याम। आई लव यू। आई लव यू श्याम। गोपाल बाबू, आपको यकीन है कि ट्रस्ट हमें करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर देगा? मुझे पूरा यकीन है सर। ट्रस्टी साहब ने कहा था कि वो 3 बजे तक आ जाएंगे, अभी तो 3:30 बज गए। ट्रैफिक प्रॉब्लम सर, अभी आते ही होंगे। वो देखिए आ गए सर। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर श्याम, हमारे ट्रस्ट ने आपका लोन पास कर दिया है। कल आप हमारे ऑफिस आकर पेपर साइन कर दीजिए और अपने चेक ले लीजिए। थैंक यू सर, आपके ट्रस्ट ने मुझे ये लोन देकर मेरे सपनों को पंख लगा दिए। ये तो शुरुआत है मिस्टर श्याम, आप कभी भी 1 करोड़ से 100 करोड़ तक हमारे ट्रस्ट से कर्ज ले सकते हैं। हमारे ट्रस्ट की तिजोरियां आपके लिए हमेशा खुली रहेंगी। आपके ट्रस्ट ने जो मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। यू आर वेलकम। थैंक यू सर। चलिए मम्मी ने तुम्हें बुलाया है। मम्मी ने, खैरियत तो है? यहाँ कैसे बताऊँ, चलो मेरे साथ। चलो लेकिन, ना लेकिन, अरे लेकिन, बैठो। बात क्या चलो है? चलो तो सही। अरे कम ऑन क्विक। गोपाल बाबू, ऑर्डर पहले जरूर भिजवा देना।
पीना बाबा मेरी प्रभा माफ कर देना पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया ईश्वर मुझे बुलाया गया है मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा यहाँ पर आना इनको पसंद नहीं आ रहा डोंट बी सिली कम ऑन हाय मम्मी देखो ना इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि आपने इन्हें बुलवाया है नमस्ते रुको बेटी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो जाते ही जाते जाता है दरअसल तहजीब भी आते आते ही आती है रुको बेटी तुम अंदर जाकर देखो सब ठीक है या नहीं हाँ मम्मी बैठो हाँ बैठो बैठो हमने सोचा बात तो एक न एक दिन करनी ही है जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है कुछ खा लो ची 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 बरखुरदार हाथ से तो गवार लोग खाते बड़ी सोसाइटी के लोग छुरी कांटे का इस्तेमाल करते यू आए यो। अगर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि मैं आपकी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करता हूं तो एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं और कई बार रुकू से भी कह चुका हूं लेकिन वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सूट बूट पहनकर छुरी काटे से खाने वाले लोग भी जहनी तौर पर छोटे और गवार हो सकते हैं बात यह है श्याम रुकू अभी बच्ची है लेकिन तुम बच्चे नहीं हो बोलो उसकी जिंदगी से हट जाने की क्या कीमत चाहिए तुम्हें
बहन के मुंह से इतनी गिरी हुई बात सुनकर भी खामोश हूँ। इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता कि मैं आपकी बेटी से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्यार मेरी बेटी को दौलत, रुतबा, गाड़ी और बंगला दे नहीं सकता, और मेरी बेटी को इन सब चीजों की आदत है। आदतें बदली भी जा सकती है मैडम, आप फिक्र मत करिए, मैं वादा करता हूँ ये सब चीजें मैं आपकी बेटी के कदमों में निछावर कर दूंगा। अरे भाई, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? साले साहब, मेरे घर में आए हुए मेहमान के साथ इस तरह बात करने का आपको कोई हक नहीं। रुकू आपकी बहन की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है, और इस घर में अभी तक मेरा हुक्म चलता है। अपने होने वाले दामाद से माफी मांगिए, मैंने ये शादी मंजूर कर दी। Dad, I love you. Let's have a family photograph. आइए ना गोपाल बाबू। अरे भाई रेनू, हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है तुमने। इतना शानदार रिसेप्शन तो अपने मॉरिशियस में पहली बार देखने को मिला है। शांति, देखो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। सौतेली माँ हूँ ना, कहीं लोग ये ना कहें कि भाई इसकी कमी रह गई, उसकी कमी रह गई। Excuse me. अकाउंटेंट साहब, क्या बात है अकाउंटेंट साहब, आज बहुत कुछ नजर आ रहे। जी हाँ, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं सर। मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। जी मैं रुक्मिणी का मामा हूँ, नाम है मेरा संपत, संपत लाल। अच्छा नमस्ते। बड़ी खुशी हुई आपसे मुझे। हाँ, खुशी तो आज आपको कुछ ज्यादा ही होगी, क्योंकि आपके साहब ने एक बहुत अमीर लड़की के साथ शादी जो की है। सिर्फ अमीर लड़की से नहीं सर, अच्छी लड़की से शादी। अकाउंटेंट साहब, अच्छी लड़की से शादी तो किसी की भी हो जाती है, लेकिन अमीर लड़की से शादी किसी किसी की होगी। आपके साहब, राय साहब की इकलौती बेटी से शादी करके अरबों करोड़ों की जायदाद का मालिक बनने का ख्वाब देख रहे हैं। पर मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। क्या हुआ रहा था? लंगड़ी हो गई बाबा। अच्छा ये बताओ बाबा, श्याम बाबू और रुक्मिणी जी की जोड़ी कैसी लग रही थी? ऐसी सुंदर जोड़ी जैसे एक दूसरे के लिए ही बनाए गई हो। तो फिर उस हिंदुस्तान से आई किताब में सच ही लिखा था क्या? अरे तुम तो कुछ पढ़ते वढ़ते नहीं बाबा, लाइब्रेरियन तो मैं हूँ, मैं पढ़ती हूँ। उस किताब में लिखा था, शादी जन्म जन्म का बंधन है, और ये बंधन स्वर्ग में ही तय हो जाता है। नई जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए रुकू मैंने ये नया घर खरीदा, इसमें मेरे अरमान मेरे सपने सब बंद हैं। लो संभालो इसे। मां लो आशीर्वाद दो अपनी बहू को, और इसे ये भी बता दो कि मुझे एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया की कितनी चाहत है। मिलेगी ना एक नन्ही सी छोटी सी गुड़िया जल्दी से जल्दी? हाँ श्याम, आज मैं इतनी खुश हूँ कि खुशी भी मुझे देखकर जल रही होगी। अपने घर की पाबंद जिंदगी से मैं इतनी तंग आ गई थी, मगर तुम्हारी बाहों के समंदर में डूबकर उभरने को दिल नहीं चाहता। हाँ तो चले समुंदर में। श्याम, कल रात से अब तक प्यार में जो तजुर्बा मुझे हुआ, मैंने तो कभी सोचा भी न था, जाना भी न था। हर करवट एक नया श्याम देखा तुमने, मुझे तुम्हारी बीवी होने पर
नाज है। रुको, जिंदगी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खुशी से मैं तुम्हारा दामन भर देना चाहता हूँ। इतना बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ कि अगर गलती से किस्मत में वो खुशी लिखी भी ना हो, फिर भी मैं उसे तुम्हारे कदमों में डाल देना चाहता हूँ। जानती हो, शाम का एक दूसरा नाम भी है। क्या? काम। तुम्हारी खुशी के लिए जीना ही मेरी जिंदगी है शाम। हाँ, ये हुई ना बात। चले समुंदर में? नहीं शाम, तुम्हारी बाहों के समुंदर में, इस समुंदर में नहीं। सर, वो पेरिस से एक्सपर्ट्स की टीम आ चुकी है सर, बाहर बैठे। उनसे कह दो कल सुबह मीटिंग होगी। नहीं नहीं गोपाल बाबू, वो लोग इतनी दूर से आए, मीटिंग आज ही होगी। लेकिन सर, 8 बज रहे हैं सर। आज तो आपकी शादी का दूसरा दिन है, रुक्मिणी जी वहां इंतजार कर रही होंगी सर। ओफो, गोपाल बाबू आप तो जानते हैं कि शाम का दूसरा नाम काम है। I'm sorry to interrupt, gentlemen, but my boss has got married only yesterday. It's already 11:30. So, would you mind too much if we continue the meeting tomorrow? सवा बारह। अरे ये भी कोई वक्त है घर पर आने का? अरे कितनी सिंपल सी बात है, जिस आदमी की शादी एक दिन पहले हुई हो और उसका मियाँ 12:15 बजे घर आए तो बीवी उठेगी नहीं तो और क्या होगा। एग्जैक्टली, मैंने उन फौरन उसको यही कहा कि आपके कल्चर और हमारे कल्चर में बहुत फर्क है। हमारे कल्चर में जब बीवी नाराज हो जाती है तो उसको मनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अरे क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, अरे उसकी पूजा करनी पड़ती है, अरे उसकी आरती उतारनी पड़ती है और कभी कभी तो फूलों से स्वागत करना पड़ता है। अरे सासू तीरथ, अरे ससुरा तीरथ, सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अरे चारों धाम घर वाली है। सासू तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है। और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। अरे चारों धाम घर वाली है। लेकिन अपनी किस्मत में तो साला है ना साली है। अरे चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली।
अरे सासू तीरथ हर ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है हर दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घर वाली है अरे चारों धाम घर वाली है जब देती है गाली थोड़ी तो सानू पता नहीं थोड़ी तो सानू पता नहीं पर साड़ी ते मखना वाली है अरे चारों धाम घर वाली है चारों धाम घर वाली है अरे सासू तीरथ अरे ससुरा तीरथ तीरथ साला साली है ये दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम घर वाली है अरे चारों धाम घर वाली है जिस तरह उसने रुकू को अपने प्यार में फंसाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है उसी तरह एक दिन अगर रुकू से उसके मुंह पर तमाचा नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी संपत नहीं। तुम ठीक कहते हो संपत, श्याम ने रुकू से नहीं हमारे पैसों से शादी की। तुम फिक्र न करो सिस्टर, मेरे होते हुए इस घर से एक फूटी कौड़ी नहीं ले जा सकता, बल्कि मैं उसकी लंगोटी तक उतार लूंगा। हाँ, मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। अरे अरे बेटा तुम और यहाँ, अरे हमने तो सोचा था एक दो महीने तक तुम्हारे दर्शन ही नहीं होंगे। हनीमून के लिए तुम लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड? नहीं मामा जी, हम हनीमून के लिए कहीं नहीं जा रहे हैं। क्यों? फ्रांस से कुछ एक्सपर्ट की टीम आई हुई है, शाम के पास वक्त ही नहीं है। मेरी इकलौती बेटी और उसको हनीमून तक नहीं। क्या क्या सोचा था मैंने भैया, क्या क्या अरमान थे मेरे। तुम एक काम करो सिस्टर, हनीमून का सारा खर्चा प्रेजेंट कर दो, दुनिया भर के होटल बुक करके वहां एडवांस भिजवा दो और साथ में हवाई जहाज की दो टिकटें दिलवा दो, फिर देखो उसे कैसे फुर्सत नहीं मिलती। हमारी बिटिया रानी की जिंदगी में ऐसा मौका भला बार बार थोड़ा ही आएगा। थैंक यू मामा जी। मम्मी मैं डैडी से मिलकर आती हूँ। अच्छा। उसे में पहली चिंगारी है। क्या मतलब? मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। हाय स्वीटहार्ट। हाय रुकू, देखो हम दुनिया का नक्शा देख रहे हैं, जानती हो क्यों? क्यों? हमने जो नया कार्गो शिप खरीदा था ना, उसमें हम एक बेडरूम बना रहे हैं। बेडरूम? हाँ, यानी कि हनीमून कैबिन, और उस जहाज से हम दुनिया के साथ फेरे लगाएंगे और सातों समुद्रों को अपने प्यार का गवाह बनाएंगे। अपना शिप, अपनी दौलत, अपनी मेहनत, अपनी रातें, अपनी सांसें, सब कुछ अपना। और अगर मैं तुम्हें अभी पंख लगा दूं तो उड़कर चलोगी मेरे साथ? ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इन पंखों के सहारे हम दुनिया में कहीं भी उड़कर जा सकते हैं। ये उड़ने के लिए पंखों का इंतजाम शायद तुम्हारे मामा और माँ ने किया होगा। उन्होंने सोचा कि हमें फ्री ट्रिप मिल जाएगा और हम हनीमून के लिए चले जाएंगे। हाँ, और तुम भी इतनी नादान निकली कि वो टिकट्स लेकर यहाँ चली आई। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता, ले आई तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? रुकू,
दूसरों की दौलत के पंख लोगों को घरों से दूर ले जाते हैं और ये पंख जिन्हें लग जाते हैं वो वापस घर लौटकर कभी नहीं आते। रुकू, कभी नहीं आते। ओफो डार्लिंग, तुम तो हमेशा उल्टा सीधा सोचते हो। नहीं रुकू, तुम समझती नहीं। तुम्हारी माँ और मामा ने ये इंतजाम जानबूझकर मुझे जलील करने के लिए किया है। शाम, मैं तुमसे अग्री नहीं करती। ये तुम नहीं, तुम्हारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी बोल रही है। हाँ, मिडिल क्लास मेंटेलिटी नहीं बल्कि थर्ड क्लास मेंटेलिटी सही। लेकिन मैं ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसी वक्त जाकर ये टिकट्स वापस करो। वापस करके आऊंगी तो माँ और मामा जी की बेइज्जती नहीं हो जाएगी? तुम्हें किसकी इज्जत ज्यादा प्यारी है, उनकी या मेरी? श्याम, तुम तो हुज्जत पर उतर आए। ये सब उन्होंने हमारी खुशी के लिए किया था और तुमने इसे अपनी इज्जत का सवाल बना लिया। रुकू, तुम्हें ये टिकट अभी और इसी वक्त वापस करने होंगे। इट्स द लिमिट। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, न टिकट देने न कहीं हनीमून पर घूमने। बेबी। अरे रुको बेटे, क्या हुआ? तुमने अपने प्रोग्राम क्यों बदल दिए? पता है कल रात को एयरपोर्ट पर बड़े बड़े लोग तुम्हें सीएफ करने आए थे। लोग इतने फूल लेकर आए थे कि पूरा हवाई जहाज हनीमून प्लेन हो जाता। बहुत बेइज्जती हुई हमारी। कम से कम खबर तो कर दी होती कि तुम नहीं जा रही हो। जी मामा जी, बात यह है वो शाम बिजी थे, एक्सपर्ट्स की टीम आई हुई है ना फ्रांस से, तो मैंने ही कहा कि रहने दीजिए, पहले काम और फिर सब कुछ। और फिर आप तो जानते हैं शाम अपने काम के पीछे कितने दीवाने हैं। काम की दीवानगी तो ठीक है, मगर इतने सारे खिलौने किस लिए, और वो भी घर में बच्चा होने से पहले है? श्याम साहब की ये कौन सी दीवानगी है? मामा जी, श्याम को बच्चों की बड़ी चाहत है। उनकी कोई बहन नहीं थी ना, इसलिए उनको एक बच्चे की, खास तौर से एक बिटिया की बड़ी तमन्ना है। लो बोलो, बिटिया की तमन्ना है। अब मैं क्या बोलूं दीदी, तुम ही कुछ बोलो। बेबी, अरे शादी करके अभी 4 दिन भी नहीं हुए और इस घर में बच्चे पैदा करने की बातें हो रही हैं। देखो बेबी, इतनी जल्दी ये गलती ना करना। बच्चा जल्दी पैदा करने से तुम्हारा फीवर खराब हो जाएगा। अरे मैंने बड़ी दुनिया देखी। और दूसरी बात ये है कि बच्चा पैदा होते ही मर्द की आंखें बदल जाती हैं। मेरा कहा मानो तो ऑपरेशन करा लो। चलिए, एक्सपर्ट्स की टीम से छुटकारा तो मिला। जी हाँ। गोपाल बाबू, आज आप क्या खाना हो जाए? यस सर, बड़ा मजा आएगा। मैं आपको गरम गरम पराठे बनाकर खिलाऊंगा। आप? जी। आपकी बेटी खाना नहीं बनाती? सर वो उसको MGI में लाइब्रेरी की नौकरी मिल गई और गवर्नमेंट की तरफ से पास में घर भी मिल गया है। ओ आई सी। ओ तो ठीक है, तो फिर हमारे यहाँ हो जाए। लेकिन सर वो, ओफो, अब वो बातें नहीं रही। रुकू बदल गई है और वैसे भी अपनी मम्मी के साथ पार्टी में गई है, देर से आएगी। चलिए चलिए, कमान कमान, वी हैव सम फन, कमान। स्टॉप इट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेडरूम में आने की? मैंने यहाँ ले आया था रुकू, भूख बहुत लगी थी इसलिए हमने खाना बेडरूम में मंगा लिया। अगर तुम इसे यहाँ ले भी आए शाम, तो ये बिस्तर पर कैसे बैठ गया? इसे ये क्यों याद नहीं रहा कि ये मेरा बिस्तर है और ये एक अछूत है? रुकू, रुक्मिणी जी ठीक कह रही हैं सर, मुझे याद रखना चाहिए था कि मैं एक अछूत हूँ। गोपाल बाबू सर, छीके का मुंह अगर खुला रह जाए तो कम से कम घर के कुत्ते को याद रखना चाहिए कि उसमें मुंह ना डाले। मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं हो। तोड़ दिया ना उस गरीब का दिल, खत्म कर दिया ना उसका इस घर से रिश्ता। रिश्ता जोड़ना है तो तुम जोड़ो श्याम, मैं तो आज से इस बिस्तर पर भी नहीं सोऊंगी। मना करने पर भी तुमने ये मर्सिडीज वापस नहीं की? श्याम,
शायद तुम नहीं जानते, रुकू ने जो चाहा है हमेशा पाया है। रुकू, बिजनेस में से इस तरह पैसा निकालकर कार खरीदना अच्छी बात नहीं है, तुम तो जानती हो ये पैसा कर्जे का है। तुमसे कौन पैसा मांग रहा है, तुम तो जानते हो मैं किस पापा की बेटी हूँ। डोंट बॉदर, उसकी पेमेंट हो जाएगी। ओहो, तुम तो जरा जरा सी बात पर रूठ जाती हो। तुमने मुझे ऑफिस में क्यों बुलाया है? तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। आज शाम हम दोनों एयर मॉरिशस से पेरिस जा रहे हैं। पेरिस? किस खुशी में? देखो ना, हमारा हनीमून नहीं हुआ तो हमने सोचा वहाँ पे बिजनेस कॉन्फ्रेंस है तो हनीमून का हनीमून, काम का काम। थैंक यू वेरी मच श्याम, हनीमून की इतनी भी क्या जल्दी, अभी काम कर लो, साल दो साल के बाद हनीमून मना लेंगे। इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। चंद रुपयों की तो बात है, टिकट भी क्या वापस करनी है। तुम्हारी टिकट और वालों ने तुम्हारे जिंदगी को जिंदगी बना दिया, वरना वो जिंदगी थी ही क्या? मम्मी, बेटी। उस जिंदगी में मैं बहुत सुखी था, बहुत सुखी था। कम से कम किसी का बैंक बैलेंस मेरे मुंह पर तमाचा तो नहीं मारता था, मेरी इज्जत मेरी खुददारी का गला तो नहीं घोटता था। आइंदा एक बात याद रखिएगा, अभी आपकी बेटी नहीं बल्कि मेरी इज्जत मेरी खुददारी मेरी जिंदगी है, और इसे बिगाड़ कर आप अपनी बेटी को नहीं मेरी जिंदगी को बिगाड़ रही है। क्या हुआ शाम? रुकू को 10 लाख रुपया देकर मेरे घर को बर्बादी के मुंह में धकेल दिया गया है। आज इसने आपके पैसे से रेस जुआ खेला है, कल शाम हमारे पास इतने पैसे हैं कि जिसके सू से मेरी बेटी तुम्हारी जिंदगी के सारे कल और सारे परसों खरीद सकती है। पहले तुम अपना आज तो ठीक कर लो, फिर दूसरों के सारे कल और परसों खरीदती रहना। बीवी तो तुम कभी ना अच्छी बन सकी, लेकिन माँ इतनी बुरी बनोगी इसकी उम्मीद न थी। आप इस अदना इंसान के लिए मेरी इज्जत उछाल रहे हैं। इज्जत तो तुम उछाल रही हो अपने दामाद को अदना इंसान कहकर, अपनी इकलौती बेटी को जुए और रेस खेलने की गंदी आदत डालकर। याद रखना, तुम्हारी जैसी माएं एक दिन बहुत पछताती हैं, बहुत। आप जैसे औलाद के दुश्मन बाप दुनिया से चले जाने के बाद ही औलाद को खुशी दे सकते हैं। ऐसा मत कहो मम्मी। भगवान करे पापा की उम्र 1000 बरस की हो। I love you, पापा। सुन लिया शाम, रुकू दिल की बुरी नहीं है। एक बात तो मानोगे,
आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए हुक्म है। मेरी आंख बंद हो जाने के बाद मेरा सब कुछ रुक्कू का है, तुम्हारा। और तुम अभी अभी देख चुके हो कि रुक्कू में बचपन अभी तक बेवकूफी की हद तक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने बिजनेस में मेरा पैसा लगा लो। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं मैं आपसे कर्जा नहीं ले सकता। तो ऐसा करो श्याम, रुक्कू को पार्टनर बना लो। लेकिन सर, पार्टनरशिप में आदमी अपनी मर्जी का मालिक नहीं रह जाता। मेरा हुक्म नहीं मान सकते तो मुझ पर एहसान तो कर सकते हो। नहीं बाबूजी, अपने आप को छोटा मत बनाइए। आपका हुक्म मेरे लिए भगवान का हुक्म है। हेलो। हेलो बाबा, मैं राधा बोल रही हूँ। हाँ राधा, बोल बिटिया। बाबा, आज मुझे पहली सैलरी मिली है और मैं चाहती हूँ इसे श्याम बाबा और रुक्मिणी जी पर खर्च करूँ। उन्हें लंच पे इनवाइट कीजिए ना बाबा। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट राधा। सर, राधा बिटिया का फोन है, उसको आज पहली तनख्वाह मिली है। अच्छा, आपकी शादी पे नहीं आ सकी थी ना, इसलिए चाहती है कि आप और रुक्मिणी जी हमारे यहाँ लंच पे आ जाए। लेकिन रुक्मिणी जी तो नहीं नहीं मैं रुकू को लेकर आऊंगा, हम आएंगे लंच पर। अच्छा, दोनों आएंगे। हेलो राधा। हाँ हाँ, वो दोनों आएंगे लंच पे। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। बिजनेस को मद्देनजर रखते हुए मैं तुम्हारी तरफ से किसी को जुबान दे आया। अब तुम्हारी हर बात मंजूर है। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं लंच पे जाना। कहाँ? जब वादा किया है तो सवाल क्यों कर रही हो? ओके, चलो मैं चलती हूँ, लेट्स गो। मैं जानता हूँ तुम इनकार नहीं करोगी, इसलिए बताई देता हूँ, वो हमारे गोपाल बाबू की। क्या? गोपाल बाबू के यहाँ खाना खाने जाना होगा? उस अछूत के घर जिसे मैं स्टैंड भी नहीं कर सकती, उसकी रोटी खानी होगी? लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। ये किसी मासूम के अरमानों का सवाल है। जहन्नुम में गए अरमान। ये मेरी जुबान का सवाल है। तुम कह सकते हो तुम्हारा पार्टनर नहीं माना? मैंने तुमसे कोई बड़ी चीज नहीं मांगी है रुकू। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी कि तुम इतनी छोटी चीज मांगोगे। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। और हाँ, आइंदा याद रखना कि अब तुम अकेले मालिक नहीं हो, तुम्हारी कोई बराबर की हिस्सेदार भी है। We'll be right back.
अच्छा गीत गा रही थी। जिंदगी गम का सागर भी है। आपकी आंखों में आंसू? खुशी के आंसू हैं। गुड आफ्टरनून सर। अरे आप अकेले? हाँ वो अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। हाँ अच्छा आइए ना सर, प्लीज अंदर आइए आइए बैठिए। श्याम बाबू, मैं पापा के जरिए आपको इतना जानती हूँ कि आप भी अपने आप को नहीं जानते होंगे। अच्छा कितना? इतना। बाबा आपकी इतनी तारीफ करते हैं कि अगर आप सुनेंगे तो खुशी से फूले नहीं समाएंगे। नहीं भाई नहीं, मैं फूलना नहीं चाहता क्योंकि पहले ही बहुत सुना है आप बहुत एम्बिशियस हैं। आपके सपने तो आसमान से भी ऊंचे हैं। सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरणा चाहिए राधा। रुक्मिणी जी के होते प्रेरणा की क्या कमी है आपको? हाँ राधा, कोई कमी नहीं। आपकी हर सांस से लगता है आपके मन में कोई तूफान है जिसे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो थम नहीं रहा। एक तूफान हो तो रोकूं राधा, हजारों तूफान है। चलो कुछ और बात करते हैं। और बात आप कैसे करेंगे श्याम बाबू, जब आपका मन ही शांत नहीं? तो कैसे शांत करूं अपना मन राधा? अपने सारे दुख मुझे दे दीजिए। तुम्हें दे दूं? नहीं राधा, जिसका बोझ है उसी को उठाना होगा। जब बोझ हद से ज्यादा बढ़ जाए
तो बांट लेना चाहिए। मैंने आपकी खुशियां तो नहीं मांगी, दुख मांगा है, क्या आप मुझे वो भी नहीं दे सकते? क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं बाबा, बस यूं ही। तुम्हारे बाबा ने बताया कि तुम एमजीआई की लाइब्रेरी में काम करती हो? जी हाँ, लाइब्रेरियन हूँ। अरे बातें ही करोगी या खाना भी खिलाओगी? जाने को जी नहीं चाहता मगर जाना तो पड़ेगा ही। बहुत अच्छा गीत था, बहुत अच्छा खाना था, और इन दोनों से बहुत अच्छे हैं आप लोग और आपका अपना। सलाम साहब। कहाँ जा रहे? मैम साहब के लिए दवाई लेने जा रहा हूं। दवाई? रुको रुको, क्या हो? रुको, क्या हो? रुको, शोर मचाने की क्या जरूरत है? देवी की तबीयत जरा खराब है, लेडी डॉक्टर एग्जामिन कर रही है। लेडी डॉक्टर? इसका मतलब खुशखबरी है ना खुशखबरी? वो दरअसल बात ये है कि वो ऑपरेशन करना जरूरी था। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? कब हुआ था ये ऑपरेशन? आई एम सॉरी मिस्टर श्याम, आप लोगों ने कोई एहतियात नहीं बरती। एहतियात? किस बात की एहतियात? ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन था डॉक्टर? क्या हुआ रुकू को? ताज्जुब है मिस्टर श्याम, आपको तो मालूम होना चाहिए, रुक्मणी को 4-5 साल तक बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए उनका ऑपरेशन किया गया था। लेकिन जो एहतियात मैंने बताई थी वो बिल्कुल नहीं बरती गई। रुक्मणी 8-8 घंटे तक स्विमिंग करती रही, उसका नतीजा ये हुआ कि। क्या नतीजा हुआ, बोलिए ना। अब रुक्मणी कभी मां नहीं बन पाएगी। पति पत्नी के बीच विश्वास ही सबसे बड़ी चीज होती है रुकू, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देखते नहीं बेबी की तबीयत इतनी खराब है और ऊपर से तुम उसे परेशान कर रहे हो। आप बीच में मत बोलिए, आई एम टॉकिंग टू माय वाइफ। मिस्टर श्याम जो भी हो लेकिन आपको इस वक्त पेशेंट का ख्याल करना चाहिए, प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। देख लिया माँ क्या किया तुम्हारी बहू ने, ये तो अच्छा हुआ कि बहुत पहले तुम्हारी आंखें बंद हो गई, वरना तुम ये सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब इस घर में कभी चिराग नहीं जलेगा, कोई गुड़िया पैदा नहीं होगी। तुम्हें बच्चे की पड़ी, बीवी की नहीं। इतने घटिया और स्वार्थी आदमी हो तुम, वहां बेबी बीमार पड़ी और तुम इस मुर्दार तस्वीर के सामने नाटक कर रहे हो। नाटक से बड़ा खिलवाड़ तो आपने किया मेरी जिंदगी के साथ, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं आप मेरे घर से निकल जाइए। आई से गेट आउट। पता नहीं क्यों चला आया, बस यूं चला आया। श्याम बाबू, आप जल्दी में हैं क्या? आप 5 मिनट मेरा इंतजार करेंगे, लाइब्रेरी बंद होने का समय हो गया है। पूछूं आपसे, आप इतना लड़ते क्यों हैं अपने आप से? नहीं तो
आपके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा है कि आपका मन और आपका दिमाग दोनों उलझ रहे हैं अपने आप से। इसी उलझन को तो सुलझाना चाहता हूँ राधा, मगर कैसे? मन में मुस्कुराइए, दर्द अपने आप भाग जाएंगे। मुस्कुराइए ना प्लीज। आपको फुटबॉल मैच पसंद है? फुटबॉल की किस्मत तो देखो राधा, ठोकरे ही ठोकरे लिखी है उसके नसीब में। अभी अभी मौसम विभाग ने वार्निंग नंबर 1 का ऐलान किया है, तूफान मॉरिशस की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए मैच हमें यहीं पर बंद करना पड़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है कि अपने अपने घर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम बाबू। तूफान सर पर ना होता तो आपको कॉफी पिलाकर भेजती, लेकिन सेकंड वार्निंग हो चुकी है और आपको 40 मील दूर जाना है, इसलिए आपको नहीं रोकूंगी। संभाल कर जाइएगा श्याम बाबू। यही बैठे रहते हो, कभी इस राधा को भी कार में छोड़ने आओ ना, तो तुम्हारे चरणों की धूल भी मुझे मिल जाए। तुम तो अंतर्यामी हो, आज श्याम बाबू मन में कितना बड़ा तूफान लेकर आए थे, उनके मन को शांति देना कन्हैया। सॉरी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज हो। अब तुम्हारे और हमारे बीच में रह ही क्या गया? ऐसा मत कहो श्याम, ये सच है कि मैं 4-5 साल तक माँ बनना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं माँ कभी ना बन पाऊंगी ये मैंने नहीं सोचा था। आज मैं खुद बहुत पछता रही हूँ, पता नहीं क्यों मैं मम्मी के कहने में आ गई ना। I'm sorry श्याम। अब सॉरी और पछताने से क्या होगा? रुको, यही तो फर्क है ना एक मां और सौतेली मां में। उसने तुम्हें बीवी रहने नहीं दिया, मां बनने नहीं दिया, उसने तुम्हें सेक्स और अय्याशी की जीती जागती तस्वीर में बदल दिया। श्याम, तुम्हारा ये बदन ये शरीर अब दो प्यार भरी आत्माओं को मिलाने वाला मंदिर नहीं रहा। श्याम, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मेरा अपमान कर रहे हो। रुको, अपमान तो तुमने मेरा किया है, मेरे प्यार का किया है, अपमान तो तुमने अपने उस पवित्र शरीर का किया है जो एक माँ बनने का दर्जा पाता है। क्या क्या बक रहे हो तुम, गालियों पर गालियां दिए जा रहे हो तुम। मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी ही नहीं, एक औरत भी हूँ। आज तुमने बीवी के अभिमान को गाली दी है, औरत की इज्जत को गाली दी है, और सच पूछो तो श्याम, ये तुम नहीं, तुम्हारा गुरूर बोल रहा है, तुम्हारा पैसा बोल रहा है, और तुम वो आदमी रहे ही नहीं जिसे मैंने प्यार किया था। अब भगवान जिस दिन तुम्हें उसी फिशरमैन, उसी मछुआरे की जगह पर लाकर खड़ा कर देगा, शायद तभी तुम फिर मेरे प्यार के काबिल बनोगे। मैं तो नहीं, भगवान सीधा करेगा तुम्हें, वही बदला लेगा तुमसे।
क्या हुआ गोपाल बाबू, क्या हुआ? गजब हो गया सर, हमारा नया शिप डूब गया है, उसमें काम करने वाला हर आदमी लापता है। कुछ भी कीजिए, हेलीकॉप्टर्स भिजवाइए, सर्च पार्टी भिजवाइए, जो बच सके उसे बचाइए प्लीज। मैंने वो इंतजाम सब किया है सर, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर से पता कीजिए प्लीज। हेलो हेलो, यस अनर्थ हो गया गोपाल बाबू, हेलीकॉप्टर्स वापस आ गए, सर्च पार्टी वापस आ गई, कोई भी नहीं बचा। माय गॉड, उसका तो इंश्योरेंस भी खत्म हो गया था। भी नहीं पूछोगी रात दिन मैं ऑफिस में क्या कर रहा था? अब तो इन बातों की आदत हो गई है मुझे। मैं अच्छी तरह जान गई हूं कि शाम का दूसरा नाम काम है। रुको, ताने देने का भी वक्त होता है। आज तुम्हारा शाम तबाह बर्बाद होकर घर लौटा है। मैं तुम्हें ताने दे रही हूं, मेरे पास झगड़ा करने के लिए वक्त नहीं है। मुझे पार्टी में जाना है और मुझे पहले ही देर हो चुकी है। मेरे कहने के बावजूद तुम पार्टी में जाओगी? ओ कम ऑन श्याम, पहलिया मत बुझा, बोलो क्या हुआ? हमारा जहाज जो यहां आ रहा था, रास्ते में तूफान में गिरा और टूट गया। तो क्या हुआ, इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे? इंश्योरेंस खत्म हो गया था। इस तूफानी रात में जहाज पर काम करने वाला हर वो आदमी उसके साथ ही डूब गया और मर गया, कोई नहीं बचा। मरने वालों का अफसोस हुआ शाम। रही इंश्योरेंस की बात, तो जिस कंपनी के कर्ता धर्ता गोपाल बाबू जैसे लोग होंगे उसका यही हाल होगा। एनीवे, सी यू लेटर। रुको, क्या पार्टी में जाना जरूरी है? गवर्नर साहब की पार्टी है और जब पार्टी में जाने के लिए हाँ कहा था तो मालूम नहीं था कि जहाज डूब जाएगा। अब तो मालूम हो गया। तुमको भी अच्छी तरह मालूम है कि ये सोसाइटी के वो लोग हैं जिनके यहाँ पार्टी में न जाने से वो बुरा मान जाते हैं। तुम्हें सोसाइटी के लोगों का ख्याल है, लेकिन उन लोगों का ख्याल नहीं है जिनकी बीवियां, जिनके बच्चे विधवा हो गए, अनाथ हो गए। हाँ, कह तो दिया, मरने वालों का अफसोस हुआ, अब और क्या करूं? जिनको मैं जानती तक नहीं, जिनको मैं मिली तक नहीं, उनका सोग मनाऊं, तुम्हारे साथ बैठकर उनका मातम करूं? नहीं नहीं रुको, खुशियां मनाओ। आज तो तुम्हारे जश्न की रात है। What do you mean? तुम्हारा कोसना, तुम्हारी बद्दुआ ऊपर वाले ने सुन लिया। हाँ, यही ना। उफ, जब तुम ताना मारते हो श्याम तो तीर की तरह आर पार हो जाता है। Thank you.
इतने बड़े तूफान में घर से निकले क्यों? अगर कुछ और हो जाता तो? घर में तूफान इस तूफान से ज्यादा गिर आया था, इसलिए यहां चलाया। हमारा एक शिप डूब गया। ओह माय गॉड। उस पर काम करने वाला हर आदमी डूब के मर गया, कोई भी नहीं बचा। मुझसे उनकी बीवी बच्चों की हालत देखी नहीं कही। खतरा उठाकर तो आप घर से चले आए, लेकिन इस तूफानी रात में मैं आपको वापस नहीं जाने दूंगी शाम। समझने की कोशिश करो राधा। कुछ भी हो जाए, मैं आपको जान का खतरा नहीं उठाने दूंगी। आपको मेरी कसम है श्याम बाबू, तूफान थम जाए तब आप चले जाइएगा। ये तूफान भी गुजर जाएगा, ये रात भी गुजर जाएगी, लेकिन किसी ने अगर इस रात को काली रात का नाम दे दिया तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, नाम दे देने से रातें काली या उजली नहीं हो जाती श्याम बाबू। लेकिन इस उजले रिश्ते को समझेगा कौन राधा? हम दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा होता या तुम्हारे बाबा भी होते तो मैं रुक जाता। बाबा से भी बड़ा गवाह दे दूं तो? सबसे बड़े गवाह वो हैं। कौन है? मैं वो भला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। आपको किससे मिलना है? अजी जिससे मिलना है वो अंदर ही है। अरे शाम, अरे भाई कल रात इतने बड़े साइक्लोन और तूफान में तुम घर नहीं लौटे तो सब परेशान हो गए। तुम्हारी तलाश में घूमते घूमते मैं इधर से गुजर रहा था कि अचानक तुम्हारी गाड़ी की इतनी बुरी हालत देखकर मैं घबरा गया। लेकिन अब तुम्हारी इतनी अच्छी हालत देखकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। आप एक मिनट बाहर जाएंगे? हाँ भाई, तुम कपड़े वपड़े बदलो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। राधा, मेरी जिंदगी तूफानों से घिरी है, अगर फिर कभी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े तो क्या मैं यहाँ आ सकता हूँ? रुक्मिणी जी के पति की हैसियत से आएंगे तो मेरे घर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे।
नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे रुक्मिणी जी, आप नहीं अंकल, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ। रुकू के घर पुकारी मुझे। मुझ गरीब के घर पर आप? फिर आप कहा आपने? मैं आपसे अपनी हर गलती की माफी मांगने आई हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ अंकल। नहीं बेटी, तुम तो मेरे राधा की तरह हो। वो घर में नहीं है क्या? कौन, राधा जी? मैं आप दोनों को आज शाम अपने घर खाने की दावत देने आई हूँ। दावत? जी हाँ अंकल, अब मुझे एहसास हो गया है कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई छूत अछूत नहीं होता। और फिर राधा जी और आप तो शाम की जिंदगी का एक खास हिस्सा हैं। लेकिन हमारा दावत में आना ठीक होगा क्या? वहाँ बड़े बड़े लोग होंगे। इसका मतलब है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। अरे नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। आपको राधा जी की कसम अंकल, आप उन्हें जरूर साथ लेकर आइएगा। आज मैं सबको बता दूंगी कि हरिजन पूजा के लायक होते हैं। और हाँ अंकल, शाम को मत बताइएगा कि मैंने आप लोगों को बुलाया है, हम उन्हें सरप्राइज देंगे। That's a good one, huh? That's a good one. Shyam? मैंने इनवाइट किया है, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा किया ना? हाँ, बहुत अच्छा किया। नमस्ते रुक्मिणी जी। नमस्ते सर। नमस्ते गोपाल बाबू। यही राधा जी है ना जी? ये आपके लिए। थैंक यू। बिहारी ये फूल ले लो। अंकल राधा जी इतनी खूबसूरत हैं, यंग हैं, शादी नहीं की इनकी? जी नहीं, हमारी बिरादरी में लड़की अगर पढ़ लिख जाए तो अच्छे लड़के मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। तब तो राधा जी की नजर किसी बड़े घर पर होगी। वेटर, विस्की? जी मैं नहीं पीती। ओह आई सी, खुलेआम ना पीती हो तो कोको कोला में मिलवा दूं? जी नहीं, मैं सचमुच नहीं पीती। एक्सक्यूज मी, रुको रुको, ये क्या रवैया? तुमने उन्हें बेइज्जत करने के लिए यहाँ बुलाया? कैसी बातें कर रहे हो डार्लिंग, मैं तो खास मेहमानों की खास खातिर कर रही थी। मुझे गलत मत समझो अंकल, आइए ना जी। राधा जी को ये ले आएंगे। आइए ना लीजिए अंकल। नहीं जी, मैं तो पीता ही नहीं। वो भी नहीं पीती, आप भी नहीं पीते। नहीं, चलो हम ही पी लेते हैं। चीयर्स एवरीबॉडी। नहीं नहीं, अगर आपने कुछ भी कहा तो उनके मेहमान क्या सोचेंगे। पार्टी खत्म हो जाने तक कुछ मत कहिए, आपको मेरी कसम है। रुक्मणी, सुना है आज पार्टी में कैबरे का प्रोग्राम है। आई एम सॉरी फ्रेंड, वो कैबरे आर्टिस्ट तो धोखा दे गई। डोंट वरी, खास मेहमानों के लिए खास आइटम तो पेश करना ही पड़ेगा। वेरी गुड। जब अपनी हो जाए बेवफा तो
जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, जब दिल टूटे तो रोए क्यों, हम गाए क्यों नहीं, हम नाचे क्यों नहीं, जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे, जब अपनी हो जाए बेवफा तो दिल टूटे। How dare you touch my wife? अच्छा, किसी ने मुझे छू लिया तो आग लग गई तुम्हें, और जब तुम किसी गैर औरत के साथ रात गुजाराए तो मेरे तन मन में कैसी आग लगी थी पता है तुम्हें? कैसी आग? कौन सी रात किस औरत के साथ? किस औरत के साथ? खाओ इसके सर की कसम और कहो कि 9 अगस्त की तूफानी रात तुमने इसके साथ गुजारी थी या नहीं? रुक्मिणी जी, चुप रहो, मैं इनसे पूछ रही हूँ, बोलो जवाब दो, गुजारी थी या नहीं? हाँ रुकू, मैंने वो रात गुजारी थी, लेकिन वो रात दिन के उजाले से भी ज्यादा उजली थी। वो रात थी, मैं था, राधा थी। रात के इस किनारे मैं था, उस किनारे राधा थी, और रात रात हम दोनों के बीच से गुजर गई थी। नंगे हालात को अल्फाजों की पोशाक से ढकने की कोशिश मत करो श्याम, इसकी सौगंध खाकर कहो कि तुम इसे प्यार करते हो या नहीं? हाँ करता हूँ। तुम सब यहाँ? शाम तो ठीक है ना? उसका नाम मत लीजिए पापा, मैंने उसका घर हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तुम्हें घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था रुकू। मेरे घर छोड़कर चले आने पर आपको इतराज है? मुझसे पूछिए तो सही कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? पापा, शाम ने एक अछूत लड़की को मेरी सौतन बना दिया। नहीं नहीं श्याम, ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। श्याम, सुना तुमने रुक्कू क्या कह रही है? कुछ नहीं बाबूजी, रुक्कू घर छोड़कर आई है, मैं उसे लेने आया हूं। इससे ज्यादा मेरे प्यार का सबूत और क्या हो सकता है? सुन लिया तुमने रुक्कू? पापा, आज इन्होंने भरी महफिल में लोगों के सामने उस अछूत लड़की के सर पर हाथ रखकर इस सच्चाई का इकरार किया है कि वो इनकी प्रेमिका है। रुको, ये पति पत्नी का मामला है, घर चलकर आपस में निपट लेंगे। रुको, घर चलो। रुको, घर ले जाओ उस सौतन को जो मेरी बेटी के सीने पे मुंह डाल रही है, इसे ले जाने की क्या जरूरत? तुम चुप रहो। एक पति अपनी पत्नी को घर ले जाने आया है और उसको ले जाने का पूरा हक है। सारा हक तो इसे ही है, अपनी बेटी को तो पूछो क्या वो जाएगी? जरूर जाएगी। ओहो, कैसे जाएगी जीजा जी, जबकि रुकू को मालूम है कि मैंने खुद अपनी आंखों से शाम को राधा के साथ उसके घर में देखा है, उसके बेडरूम में देखा है, आगे क्या कहूँ, मुझे तो शर्म आ। बंद करो अपनी गंदी जुबान। आप तो हमेशा ही हमारी जुबान बंद करते रहे, क्या आपको अभी पता नहीं चला कि इसने दौलत के लिए ही रुको को फंसाया था? तुम दोनों भाई बहनों ने जिंदगी में सिवाय दुख क्या और मुझे दिया ही क्या है, और अब रुको का घर उजाड़ने में लगे हुए हो। रुको, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ, अपने घर जाओ। आपके कहने से क्या होगा, मैं इसे नहीं जाने दूंगी। अब ये इज्जत रह गई है मेरी इस घर में। क्या हुआ बाबू जी? मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ, इस समय खामोश रहिए, कुछ मत बोलिए, प्लीज डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। निका, पापा!
सब तेरी वजह से हुआ है। आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हट जाइए, मुझे इनके चरण छू लेने दीजिए। खबरदार, जो अपने अपवित्र हाथों से इनके शरीर को हाथ लगाया। रुकू, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपना सर इनके चरणों में झुका लेने दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। कारियों की तरफ भीख क्या मांग रहे हो? निकल जाओ यहां से। गार्ड्स, धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे। आई से गेट आउट। मैं कहता हूं अब यहां एक पल भी रुकने का धर्म नहीं है। सिर्फ बेइज्जती हो जाती तो हम सह लेते हैं, लेकिन यहां जो बदनामी हुई है उसके बाद हम कहीं मुंह भी नहीं दिखा सकते। हम यहां से अभी चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे बाबा? मेरी नौकरी है, आपकी नौकरी है। श्याम बाबू की नौकरी अब मुझसे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्यों छोड़ दें हम नौकरी? क्या किया है मैंने बाबा? आप भी शक करने लगे हैं मेरी पवित्रता पर। मैं मान भी जाऊं रहा था, लेकिन दुनिया तो नहीं मानेगी, रुक्मिणी जी तो नहीं मानेंगी। रुक्मिणी ने हमेशा राधा पर शक किया है बाबा। कृष्ण और राधा के पवित्र रिश्ते को गलत समझा। रही दुनिया की बात, दुनिया वालों ने तो सीता जैसी देवी को भी नहीं छोड़ा था। सीता ने अग्नि परीक्षा देकर अपनी सच्चाई साबित की थी। तू कौन सी परीक्षा दे सकती है? तुम जो भी परीक्षा चाहो ले लो बाबा। तो चली चली यहाँ से, श्याम बाबू की जिंदगी से। इतनी दूर की, फिर रुक्मिणी जी और श्याम बाबू को हमारी खबर तक न मिले। राधा, श्याम बाबू। रुक जाओ राधा, गोपाल बाबू दरवाजा खोलिए। नहीं, दरवाजा नहीं खुलेगा। आज सारे जमाने ने मुझ पर दरवाजे बंद कर दिए। आप तो ऐसा मत करिए। जिस गोपाल को आप जानते हैं वो आपका नौकर था। ये गोपाल एक लड़की का बाप है। दरवाजा नहीं खुलेगा। राधा, प्लीज प्लीज इन्हें समझाओ ना। बाबा खोलिए ना प्लीज। नहीं राधा नहीं, अब ये दरवाजा इनके लिए नहीं खुलेगा। राधा, इस वक्त मैं तुम्हारी रुक्मणी के पति की हैसियत से आया हूं, अब तो दरवाजा खोलो। राधा खोलिए ना बाबा, वो इंसान दिल दिल टूट रहा है। मन में न जाने कौन सा तूफान लिए वो यहाँ आए हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ बाबा, बस बस थोड़ी देर के लिए। नहीं राधा, नहीं।
जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या, हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मुस्कान है, दर्द की कोई पहचान है, जिंदगी एक मेहमान है, छोड़ संसार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। तो वकील साहब, पापा की विल पढ़िए। मैं राय बहादुर प्राणनाथ पाशा, सनफ श्री विनोद कुमार पाशा, अपनी सारी जायदाद, कारोबार, सारी फाइनेंसिंग कंपनीज और जो कुछ भी मेरा है, सब अपनी बेटी रुक्मणी और दामाद श्याम मोहित के नाम करता हूँ। अगर मेरे दामाद श्याम मोहित का एक्सीडेंट हो जाए या किसी हादसे की वजह से उनकी मृत्यु हो जाए या मेरी बेटी रुक्मणी को वो तलाक दे दे, तो सारी जायदाद की मालिक मेरी बेटी रुक्मणी होगी। मेरी पत्नी श्रीमती रेणु प्राणनाथ पाशा, जो मेरी बेटी की सौतेली माँ है, उनका मेरी जायदाद पर कोई हक नहीं होगा। सिर्फ अपने खर्च के लिए उन्हें 2000 रुपए हर महीने मिलते रहेंगे। मेरे साले संपत लाल, जो कि हमारी कंपनी में बतौर PRO खामखा काम किया करते हैं, उन्हें इस नौकरी से फौरन हटा दिया जाए और उनकी तनख्वाह 5000 रुपए महीना बंद कर दी जाए। बतौर जेब खर्च उन्हें सिर्फ 200 रुपए महीने दिए जाएं। ये क्या बात कर रहे हैं वकील साहब, आप बुजुर्ग गलत फहमी हुई है, जरा दोबारा पढ़िए। बतौर जेब खर्च सिर्फ 200 रुपए महीना दिए जाए। रुको बेटा, जीजा जी की जायदाद पर मेरा तो कोई हक नहीं था, लेकिन दीदी के साथ तो उन्होंने सरासर ज्यादती की है। मामा जी, मम्मी, आप परेशान मत होइए, अब सारी जायदाद और फैसलों के मालिक तो मैं ही हूं, और फिर आप दोनों के सिवाय अब मेरा है ही कौन। जीती रहो बेटा, जीती रहो, हम तो हमेशा से ही तुम्हारे। इसीलिए तो हमने उस राज का भी पता लगा लिया है जिसका किसी को भी पता नहीं। कौन सा राज मामा जी? शाम जीजा जी से शिप खरीदने के लिए रुपया उधार लेना नहीं चाहता था, लेकिन जीजा जी ने एक गुमनाम ट्रस्ट बनाकर शाम को एक नहीं चार चार शिप खरीदने के लिए करोड़ों रुपया उधार दिया था, और उस ट्रस्ट के ट्रस्टी यही वकील साहब थे। हाँ तो वकील साहब बताइए ना, शाम की तरफ कितना रुपया निकलता है असल और सूद मिला? हमने हिसाब लगाया है, 93 करोड़ असल और 33 करोड़ सूद, कुल मिलाकर 1 अरब 26 करोड़ रुपया उनसे वसूल करना है। तो फिर वकील साहब, शाम से अब ये पैसा कैसे वसूल होगा? अटैचमेंट। अटैच क्या करेंगे वकील साहब,
उसने तो अपना सारा हिस्सा उन लोगों की फैमिलीज में बांट दिया है जो उसके जहाज में डूबकर मर गए थे। उनके नाम अभी भी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं, जिन्हें अटैच करके कुछ तो वसूल किया जा सकता है। तो फिर हमें फॉरेन अटैचमेंट करा लेना चाहिए बेबी। हाँ, इससे पहले कि वो अपनी बची बची प्रॉपर्टी बेच दे, हमें फौरन कदम उठाना चाहिए। रुक्मणी बेटे, अगर शाम की सारी प्रॉपर्टीज अटैच करवाना चाहती हो तो इस वकालतनामे पे दस्तखत कर दो। बेलव साहब, यह शाम कुड़की का ऑर्डर दीजिए इसे, और इसे यह भी बता दीजिए कि इसके सारे शिप्स, सारी बोट्स, घर बार, सारे ऑफिसेज और बैंक अकाउंट सब को रख कर दिया गया है। एंड नाउ यू गेट आउट ऑफ द शिप। मैं वो फला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। Keep it. हाँ। गार्ड, दरवाजा खोलो। आपके लिए अंदर जाना मना है। क्यों? बड़ी मैम साहब को हुक्म है। अपनी प्यारी चीज भूल आई थी, सोचा याद आने पर दुख होगा, इसलिए ये गाड़ी देने आया हूं। गार्ड, गाड़ी की चाबी ले लो। रुक्मणी जी, बाबूजी का बिजनेस बहुत बड़ा है, जरा होशियारी से संभालिएगा, गलत हाथों में पड़ जाने से कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है। ठीक कहती हैं आप। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज के पेपर्स हैं जिसके बारे में आपको भी पता नहीं। मेरी जितनी भी कुड़की हुई चीजों से अगर बाबूजी के पैसे वसूलना हो तो इनसे वसूल कर लीजिएगा। बदले में क्या चाहिए? संतोष की दौलत से बढ़कर और दौलत क्या हो सकती है? मैं तो कुछ देने आया था मेम साहब, देने नहीं।
मेम साहब, ये प्लेट क्यों रोज लगवाती हैं आप? खाने पे तो कोई नहीं आता। अरे भाई, हम जो आ गए हैं। देखा सिस्टर, कितने अच्छे मौके पे आए। हेलो मामा जी। हेलो मम्मी। हेलो बेबी। खाना खाएंगे? देखिए पूछ। मामा जी प्लीज, आप उस कुर्सी पर बैठ जाइए, इस प्लेट को ऐसे ही रहने दीजिए, आपके लिए दूसरी प्लेट आ जाएगी। ओके। क्यों बेबी, कोई आने वाला है क्या? एक ना एक दिन तो शाम को वापस आना ही है ना मम्मी। लो और सुन लो, इसको अभी भी शाम का इंतजार है। वाह। शाम का इंतजार? जिसने तेरे सौतन रख ली? अब तो शादी भी कर ली होगी। मेरा दिल नहीं मानता। और दो चार महीने में मान जाएगा। वैसे वकील साहब की ये राय है कि अब काफी इंतजार हो चुका है, तलाक के पेपर्स फाइल कर देने चाहिए। लेकिन मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैंने ये सब कुछ शाम को पाने के लिए किया था, खोने के लिए नहीं। लेकिन लोगों को जब पता चलेगा कि तेरे रहते हुए उसने उस अच्छू से शादी कर ली तो? वो दिन मेरे और उसके रिश्ते का आखिरी दिन होगा मम्मी, लेकिन मुझे सबूत चाहिए। सबूत? अरे हाथ कंगन को आरसी, क्या सबूत भी ला देंगे। लेकिन अच्छा तो ये है कि हम उसे अपनी इज्जत उछालने का मौका ही ना दें। हाँ, इससे पहले कि वो हमारे मुंह पर जूता मारे, हम उसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंकते। आई सॉरी मामा जी, सबूत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। संपत, हम तो फिर वही आकर खड़े हो गए जहां से चले थे। फिक्र ना करो सिस्टर, मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आप तो बहुत ही नाराज लग रहे हैं गोपाल बाबू। हमें अब आपसे कुछ लेना देना नहीं। ओहो, कुछ भी हो जाए गोपाल बाबू, लेकिन सलाम दुआ जान पहचान इस तरह खत्म तो नहीं हो जाती। मैं तो कब से आप लोगों को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन न जाने आप लोग कहाँ खो गए थे। राधा बिटिया आजकल कहाँ है? कौन आया है बा? अरे राधा बिटिया, कैसी हो बिटिया, एक जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए। मैंने आपको कहा ना, आप यहाँ से चले जाइए प्लीज। गुस्सा थूक दीजिए गोपाल बाबू, हम भी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इस वक्त हमारा साथ दीजिए। रुको और शाम का अलग हो जाना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हमारा कोई ताल्लुक ना आपके श्याम बाबू से है, ना रुकू जी से है, ना आपसे है। ये तो ठीक है गोपाल बाबू, लेकिन दो मासूम जिंदगियां इस तरह बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, ये ठीक लगता है क्या? तुम ही सोचो राधा बिटिया। हम क्या कर सकते हैं, रुक्मिनी जी तो वहम का शिकार हो गई हैं। और उसके दिल का वहम सिर्फ तुम ही निकाल के फेंक सकती हो। लेकिन कैसे? किसी से शादी करके। जी? शादी तो एक दिन तुम्हारी भी हो जाएगी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है राधा बिटिया कि अगर तुम्हारी शादी अभी हो जाएगी तो शाम और रुक्कू का उजड़ा हुआ घर पर जाएगा, तुम्हारी शादी एक सबूत बनकर रह जाएगी और रुक्कू के दिल का वहम दूर हो जाएगा। ये साबित हो जाएगा शाम के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। शादी को क्या अपने बच्चों का खेल समझा है संपत बाबू? श्याम बाबू, रुक्मिणी जी का टूटा हुआ घर बस जाए, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। राधा जरा सोचो तो, शादी कोई तमाशा तो नहीं कि मिट्टी से कोई पुतला बनाया जाएगा और तुम्हारी शादी कर दी जाएगी? बहुत अच्छा लड़का बताऊंगा गोपाल बाबू, और शादी का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा। देख लेना गोपाल बाबू, अपनी राधा बिटिया के लिए एक हीरा लड़का लाऊंगा, हीरा। लेकिन इस लेकिन में क्या रखा है बाबा, उनकी खुशियां वापस लौट सके तो मैं कुछ भी करूंगी, उनका टूटा हुआ घर बस सके तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगी बाबा। तुम बिना सोचे समझे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रही हो राधा, चाहे कुछ भी हो इतने बड़े त्याग की जरूरत नहीं। बाबा ये त्याग नहीं, मेरे लिए तपस्या है। श्याम बाबू, आप इस हाल में? हाँ विजय,
मजदूर बनकर भी जीने का एक मजा है। आपको याद है श्याम बाबू, आपकी दी हुई सिर्फ एक ही नाव से आज मैं कई बोट्स का मालिक बन गया हूँ। मैं जानता हूँ, जिस कंपनी में मैं एक मछुआरे की हैसियत से काम कर रहा हूँ वो कंपनी भी तुम्हारी है। लेकिन सर, अब मैं आपको हरगिज हरगिज नहीं ऐसा करने दूंगा। मेरा घर बार है, मेरी बीवी है, एक छोटी बच्ची भी है। श्याम बाबू, आप चलिए हमारे साथ रहिए, प्लीज कम। बिटिया है विजय, आज नहीं, फिर किसी दिन मैं तुम्हारी लाली बिटिया को देखने जरूर आऊंगा। लेकिन सर, ये सब कैसे हो गया? वो अखबारों में मैंने आपके बिजनेस और फैमिली के बारे में पढ़ा था। हाँ विजय, कुछ जिंदगियां एक साथ चलते चलते एक चौराहे पर आकर अलग अलग रास्तों पर बिछड़ गई। मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का, उस बिचारी राधा पर क्या बीती होगी, वो किस हाल में होगी। चलता हूं, टेक केयर। अच्छी है ना? किस सपने की बात कर रही हो राधा? अब तो मुझे ये भी याद नहीं रहा कि मैंने क्या देखा था। तो क्या मेरी शादी के बाद उन लोगों ने आपको वापस नहीं बुलाया? शादी, ये बच्चा, ये विधवा के कपड़े, ये सब क्या है राधा? आज मेरी झोली में अपने सारे गम भर दो। ये सब क्या है, मैं जानना चाहता हूं तुम कहां रही, कैसे रही, पूरी कहानी। दुखों में डूबी कहानी सुनने से क्या फायदा श्याम बाबू, सुनेंगे तो आपको भी दुख होगा। तो क्या तुम्हारा दुख और सुख जानने का मुझे कोई हक नहीं? बताओ राधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूल्हा राजा, जरा पगड़ी हटा दो, फोटो अच्छी आएगी। हाँ, ये बात है। एंड स्माइल स्माइल। लो एक घूंट पियो बस, फिर जन्नत घूमने चलते हैं साथ साथ। जी पियो ना। अरे पी, अरे पी, अरे पी साली पी। कुछ महीनों तक ऐसी ही जिंदगी चलती रही। बाबा बहुत परेशान थे, मन ही मन घुटते रहते थे। मेरे पति एक दिन के लिए जाते तो कई दिनों तक नहीं आते थे। बस जब पैसों की जरूरत पड़ती थी तभी आते थे। बाप बेटी दोनों महीने भर की कमाई दिखा रहे हैं। कमाई राजा, ये सब आप ले लेंगे तो घर का खर्चा कैसे चले? अरे जब बुढ़े घर जमाई रखते वक्त नहीं सोचा था हमारे को भी खर्चा चाहिए। लेकिन महीने की शुरुआत है, सबको पैसे देने हैं, दूध वाले को, धोबी को, कुछ तो सोचिए, घर का सामान कहाँ से आएगा? और हम लोग भूखे मरेंगे क्या? चुप है बुढ़े, तू बहुत ऐसा मत कीजिए,
मुझ पर जो चाहे जुल्म कर लीजिए, लेकिन बाबा की इज्जत रखिए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन बाबा को कुछ मत कहिए, बाबा को कुछ मत कहिए। मुझे तो सब कुछ मंजूर था, आखिर वो मेरे पति थे, मैंने उन्हें कभी नहीं टोका, कभी नहीं रोका, उनकी जो मर्जी में आता था करते थे। फिर एक दिन मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या? तू माँ बनने वाली है? किसने कहा था तुझसे माँ बनने के लिए? अरे तुझे और तेरे बाबा को पालना तो मुझे भारी पड़ रहा है, और तू बच्चा जन्मने जा रही है? बच्चे तो भगवान की देन है। पहिनी बसात, ये भगवान की देन है या तेरे यार की? क्या क्या कहा आपने? नहीं नहीं, ईश्वर के लिए इल्जाम मत लगाइए, श्याम बाबू का नाम मत लीजिए, ये बच्चा आप ही का है। अपनी यार को बचा रही है सोनी, आज के बाद मैं तेरी शक्ल तक नहीं देखूंगा, इस घर में पांव तक नहीं रखूंगा। जमाई राजा, जमाई राजा उसे मत मारो, राधा को मत मारो, जमाई राजा मुझे मार लो। ये सब कुछ बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उन्हें खोजने गए तो फैसला करके ही लौटे। पागल हो गया है क्या? गुणवंत लाल जी मेरे पति हैं और तीन बच्चों के बाप भी। धोखेबाज कमीने, तूने मेरे बेटी की जिंदगी बर्बाद कर ली, मैं तुझे जेल भिजवा के आऊंगा। अब तू जरूरत से ज्यादा राज जान गया है, अब तेरा जिंदा रहना ठीक नहीं है। बहुत थक गए हो क्या बाबा? राधा बेटी, जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, तू विधवा हो गई है, और तुम्हें मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए सब कुछ सहना पड़ा। ये तुम्हारा मेरा कौन सा रिश्ता है राधा? इस रिश्ते का नाम तो भगवान कृष्ण और राधा जी भी नहीं ढूंढ पाए थे श्याम बाबू, बस इतना जानती हूँ कि पति आप रुकु जी के हैं और मेरे परमेश्वर, मैंने तो आपकी सिर्फ पूजा की है। लेकिन इस पूजा ने तुम्हारी जिंदगी को जला कर राख कर दिया है राधा। नहीं श्याम बाबू, पूजा के दिए से अगर हाथ जल जाए तो वो जलन भी चंदन जैसी ठंडक देती है। डॉक्टर, ये प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लड़की हुई है। सिस्टर वो आ रही है। मम्मी अब रो रही है, क्या बात है, क्या हुआ? मामा जी मम्मी क्यों रो रही है? जिसका डर था बेटी वही हो गया है, श्याम ने हमारे खानदान की नाक काट दी है, कमबख्त ने क्या कसकर तमाचा मारा है हमारे मुंह पर। तो क्या श्याम ने उसे शादी कर ली? बेबी शादी ही नहीं, बच्चा भी पैदा कर लिया है। और वो भी लड़की,
नर्सिंग होम में उसे उछाल उछाल कर कह रहा था। रुक्मिनी का मुंह अच्छी तरह काला करूंगा। तोबा तोबा तोबा, उसके बाद तो हमने अपने कानों में उंगलियां डाली। पर आंखें खुली थी बेबी। क्योंकि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए हमारी आंखें खुली रखना बहुत जरूरी था। तो यकीन आ गया बेबी। मेरी जिंदगी की किताब का हर पन्ना खुला हुआ आपके सामने मौजूद है योर ऑनर। जिंदगी ने जो भी दफाएं मुझे दी मैंने स्वीकार किया और उसे निभाया। आज सारी सच्चाइयां आपके सामने बेपर्दा है योर ऑनर। इस इंसाफ के मंदिर में हमेशा सच की जीत हुई है और आज मैं भी इस न्याय के मंदिर से सच्चाई की जीत चाहता हूं। योर ऑनर, इनकी दूसरी शादी के सारे सबूत हमारे पास हैं जिन्हें हम अदालत के सामने पेश करना चाहते हैं। जरूर पेश करूं मगर कल। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर श्याम की जमानत मंजूर की जाए योर ऑनर। जमानत मंजूर की जाती है, कोर्ट कल तक के लिए एडजर्न की जाती है। बेबी, खुरदार, आज की रात और रंग रलिया मना लो। कल तो सारे सबूत मिल जाने के बाद बाकी की तमाम रातें तो जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी है। मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। वेल डन, वेरी वेल डन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू। बाय बाय। ना? मैं यहाँ बैठने नहीं, शाम से मिलने आई हूँ। उन्हें बुलाइए। जी जी, अभी बुलाती हूँ। श्याम बाबू, बाहर आइए। देखिए तो, आपकी खुशियाँ आपकी दुनिया लौट आई है। जल्दी आइए। दीजिए, ये बड़ी शैतान है, आप लोगों को बातें नहीं करने देगी। तुम्हें लेने आई हूं। अब क्या लेने आई हूं? मैं नहीं चाहती कि तुम राधा जैसी छोटी औरत के साथ रहो। नहीं श्याम, मुझे गलत मत समझो, तुम छोटे मत बनो। तुम्हारे लिए मैं ही छोटी बन जाती हूं। मेरे पास लौट आओ प्लीज। वहम की मारी औरत रुकू कभी किसी की नहीं हो सकती। मैं सारी सच्चाइयों को भूलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि तुम इस हाल में रहो। क्यों रुकू? तुम्हें तो चाहा था और कहा था कि मैं जिस दिन फिर से एक मामूली मछुआरा बन जाऊंगा
वो दिन तुम दोबारा देखना चाहोगी रुकू? देखो, जो तुमने कहा था आज मैं वही बन गया हूँ। लेकिन तुम भूल गए श्याम, मैंने ये भी कहा था कि फिर मैं तुम्हें उसी तरह प्यार करूंगी। मेरे साथ लौट चलो श्याम, तुम्हें वही शोभा देता है जहाँ तुम थे, जो तुम थे। नहीं रुकू, जैसे मैं हूँ जहाँ मैं हूँ यही मुझे शोभा देता है। ये तुम नहीं, तुम्हारा घायल अहंकार बोल रहा है। अदालत में क्या तुम्हारा प्यार बोल रहा था? अदालत में सब कुछ बदला जा सकता है अगर तुम मेरे बन के रहो। मैं तुम्हारा कब नहीं बन कर रहा रुकू? जब से तुमने राधा से शादी की। राधा के साथ मेरी शादी? क्या बोल रही हो? सच्चाई को छुपाने के लिए बिगड़ो मत श्याम, राधा को छोड़कर मेरे साथ लौट चलो, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। अगर दे सकती हो तो मुझे एक चीज दे दो। क्या? तलाक। मुझे तलाक चाहिए रुकू। मैं जानती हूँ तुम्हें तलाक क्यों चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी। कल तुम्हारी दूसरी शादी का सबूत अदालत के सामने होगा और तुम जेल की सलाखों के पीछे। क्या हुआ श्याम बाबू? रुक्मिणी जी इस तरह नाराज होकर क्यों चली गई? वो आपको लेने आई थी ना? मुझे ले जाने की बहुत बड़ी कीमत मांग रही थी। वो लेने आई थी तो आपको किसी भी कीमत पर उनके साथ जाना चाहिए था। कुछ भी हो, वो आपकी पत्नी है। पति के लिए पत्नी पुण्य का साथी होती है, अगर वही माथे पे पाप का टीका लगा दे तो कोई क्या करे। पाप का टीका? लेकिन लेकिन ये तस्वीर कैसा फरेब है, ये कैसा धोखा है? मुझे अपनी फिक्र नहीं है राधा, मेरे साथ कुछ भी हो लेकिन मुझे इस फरेब से, इस धोखेबाजी से लड़ना है, ताकि ये तस्वीर कल भरी अदालत में तुम्हारी इज्जत के खिलाफ उंगली ना उठा सके। मेरी इज्जत आप दोनों की खुशियों से बड़ी नहीं है श्याम बाबू, जो भी कलंक लगता है मुझ पर लगने दीजिए। अगर झूठ ने सच का पहनावा पहन ही लिया है तो मैं इस झूठ को इतने बड़े सच में बदल दूंगा कि वो सच के सिवा कुछ नहीं रहेगा। दादा, मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं नहीं श्याम बाबू, नहीं। अगर आपने ऐसा किया तो मेरा भगवान बेईमान पुकारा जाएगा श्याम बाबू। पुकारा जाने दो, जो होता होने दो। नहीं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। आपके माथे पर तब सचमुच पाप का टीका लग जाएगा। पाप हो या पुण्य, इससे पहले कि मुझे सजा हो मैं तुम्हारी मांग में सिंदूर भरूंगा। इस मासूम बच्ची को अपना नाम दूंगा ताकि तुम समाज के मुंह पर तमाचा मारकर इज्जत से जी सको। मेरी इज्जत सिंदूर की लकीर में नहीं, आपकी सच्चाई और रुक्मिणी जी के सुहाग में है। सुहाग मांग में सजाया जाता है, अदालतों में जीता नहीं जाता। राधा, मैं अभी पंडित को लेकर आता हूँ। श्याम बाबू, श्याम बाबू जरा सुनिए तो, मेरी बात तो सुनिए श्याम बाबू, ऐसा मत कीजिए। श्याम बाबू आइए, आइए जल्दी कीजिए, मेरे साथ आइए। इस मुंडी की करामात ने तुम्हारी तकदीर बदल दी। मिंगो, अपनी औकात और होश में रहो, नहीं तो मैं तुझे। आप चुप रहिए मैडम, और संपत तुम्हें तो अभी होश आ जाएगा, ये तस्वीर देख लो। ये क्या साजिश है? वही साजिश प्यारे, तुम्हारा ही हाथ मैंने तुम पर चला दिया। जिस तरह तुमने ये फोटो दिखाकर रुक्मणी के दिल में नफरत के बीज बो दिए, उसे बहकाकर तलाक लेने के लिए अदालत तक पहुंचा दिया, ताकि शाम से तलाक लेने के बाद राय साहब की तमाम दौलत की मालिक अकेली रुक्मणी हो जाए, और फिर उस मासूम को बहकाकर तुम दोनों भाई बहन सारी दौलत हड़प कर जाओ। लेकिन संपत, मैं तुम्हें यह दौलत अकेले लेकर चंपत होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा यह फोटो ले जाकर रुक्मणी को दिखाऊंगा और तुम दोनों भाई बहन की पोल खोल दूंगा। आराम सादे, मुझसे बेईमानी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आग के इस खिलौने से मत खेलो संपत, हाथ जल जाएगा लेकिन कोई सबूत तुम्हारे हाथ नहीं आएगा। वो जाली नेगेटिव और अपना बयान टेप करके मैंने पहले एक दोस्त के हवाले कर दिया है,
आधे घंटे बाद वो सबूत पुलिस तक पहुंचा दिया जाएगा। संपत, इसने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। धोखा नहीं मैडम, सौदा किया है। चलो सौदा ही सही, लेकिन वो जाली नेगेटिव और अपने बयान के टेप हमारे हवाले करो, हम तुम्हें 50,000 रुपया देंगे। बस 50,000? 1,00,000 मैडम। 2,00,000। 3,00,000। अच्छा 4,00,000। 5,00,000 एंड दैट्स ऑल। ठीक है, हम जानते थे तुम हमें ब्लैकमेल करोगे, इसलिए हम ये पैसे अपने साथ लेकर आए हैं। चलो वो जाली नेगेटिव्स और अपने बयान के टेप हमारे हवाले करो और ये पैसा ले लो। पहले इस खिलौने को फेंक दो संपत, तुम्हारा क्या भरोसा? नेगेटिव और टेप लेकर मुझे गोली मार दो तो अच्छी बात है दोस्त। मुझसे ये धोखेबाजी? धोखेबाजी नहीं, तुम जैसी बला को बोतल में उतारने वाली छोटी सी करामात। जो कुछ भी तुमने बोला है वो इस वक्त इस कैसेट में रिकॉर्डेड है। कितने कमीने और गिरे हुए इंसान हो तुम लोग कि पैसे की खातिर तुम लोगों ने एक नहीं तीन तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। बरगुर्दा, ये तुम कैसे भूल गए कि मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। बरकुदार, मुझे याद आ गया, मैं वो बला हूं जो जूतों से तुम जैसे कुत्तों के सर फोड़ता हूं। नहीं दोस्त नहीं, तू हट जा, हट जा मेरे दोस्त। कमीने कुत्ते, उठ उठ। शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं, हाँ देख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करिए इन्हें। ये तस्वीर एक धोखा है, एक साजिश है बहन। सबूत को साजिश कहकर तुम मुझे मेरे ही पति की भीख देने आई हो? नहीं नहीं बहन, श्याम बाबू आपके थे, आपके हैं और आप ही के रहेंगे। ओह, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं श्याम को तुम्हारे साथ बांट लूं, बीवी मैं कहलाऊं और तुम मेरी सौतन बनी रहो? नहीं नहीं, आपको श्याम बाबू की सौगंध, ऐसा मत सोचिए। आप अपने मामा जी से पूछ लीजिए, उन्होंने ही मेरी शादी गुणवंत लाल जी से करवाई थी। लड़की अब मेरे मामा पर इल्जाम लगा रही है? मेरे मामा को क्या जरूरत थी तुम जैसी छोटी औरत की शादी करवाने की? कान खोल कर सुन ले, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कल अदालत में मैं तुझे भी खींच कर लाऊंगी। बहन की आंधी ने आपको अदालत तक तो पहुंचा दिया, लेकिन मैं विनती करती हूँ, अपने सुहाग को कानून की बेड़िया मत पहनाइए, अपनी जिंदगी को टुकड़ों में मत बांटिए। मेरे घर मेरे सुख चैन में आग लगाकर, मेरी जिंदगी में जहर घोलकर अब मुझे सिखाने आई हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? मैं तो हर बात में आपसे छोटी हूँ बहन, मैं आपको क्या सिखाऊंगी? दुख तो सिर्फ इतना है कि आपने मेरी पूजा को गलत समझा। श्याम बाबू और आपका घर तो मेरे लिए मंदिर की तरह है, जरा सोचिए तो, किसी पुजारी ने आज तक किसी मंदिर को तोड़ा है क्या? मंदिर पूजा ये सब बातें तेरे मुंह से बदबू देती हैं। इतना याद रखना, अगर शाम मेरे ना हुए तो उन्हें तेरा भी नहीं रहने दूंगी। निकल जा यहाँ से, गेट आउट आई सेड, गेट आउट। रुक्मिणी जी, शाम तेरी है तेरी रहे।
क्या किया तुमने? क्यों किया तुमने? ठीक ही तो किया श्याम बाबू, मेरा भाग्य तो देखिए, जाते जाते आपके चरणों की धूल भी मिल गई, मेरी पूजा पूरी हो गई श्याम बाबू। नहीं श्याम बाबू नहीं, अब तो हंसते हंसते विदा कीजिए, हंसते हंसते विदा कीजिए श्याम बाबू।
हंसी है ना, हंसी श्याम बाबू। आंटी मुआज़